हरिजन परिवार से थे, तो ये हरिजन शब्द कहाँ से आया और क्या है हरिजनों का इतिहास, मैं चाहूंगा उस पर भी आप जरूर रोशनी डालें। एक्चुअली महामना ज्योतिबा फुले हरिजन परिवार से नहीं थे, महामना ज्योतिबा फुले माली समाज से थे, सैनी समाज से थे, पर हाँ हरिजन शब्द जैसे मैं अभी पहले एक कहानी में बता चुका हूँ, देवदासी प्रथा हमारे देश में बादस्तूर जारी थी और आज भी आप उसके अंश देख सकते हैं साउथ के मंदिरों में, जहाँ देवदासी प्रथा आज भी बदस्तूर जारी है। वो बहन बेटियां चाहे वो किसी भी समाज की हों, उन बहन बेटियों को पेपर केक पेड़ से शादी करवा के मंदिर में रहना पड़ता था और फिर मंदिर में रहने वाले जो मोटे पेट के पंडे होते थे उनके साथ संबंध बनाते थे, संबंध बनाने के बाद उनके जो बच्चे पैदा हुआ करते थे उन बच्चों को हरिजन कहा जाता था। ये कहा जाता था कि ये भगवान के बच्चे हैं, शायद इसी बात से कुंठित होकर के बिल्कुल सही कहा था बहन जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने बिल्कुल सही कहा था गांधी को, जब गांधी ये कह रहे थे कि हरिजन ये लोग हरिजन है, तो बहन जी ने बुलंदशहर में कहा अगर गांधी को इतना ही अच्छा लग रहा है शब्द, ये हरिजन शब्द हमें कह रहे हैं, हम भगवान की औलाद हैं तो गांधी क्या शैतान की औलाद है। तो ये एक है, ये एक राजनीतिक स्टंट था, उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, बड़ा सही और सटीक जवाब उन्होंने दिया था। हरिजन उन लोगों को कहा जाता है जो मंदिरों में मोटे मोटे पेट के पंडितों के द्वारा देवदासियों के द्वारा पैदा किए बच्चे होते हैं, तो हम हरिजन नहीं हैं, हम शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोग कहलाना पसंद करेंगे, लेकिन हरिजन शब्द हमारे लिए इस्तेमाल ना किया जाए।